वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। ओ लेवल मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पे वीडियो अपलोड इन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो जो हैं वो साइन रूल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। एक वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की बजाय 3 की बजाय 2 कर दिया गया है। एनी हो 3 जो वीडियोस थी उसके ऊपर हमने साइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ द साइन रूल। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का अपलोड होगा। ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हम साइज ऑफ द एंगल फाइंड करेंगे। ख्याल रहे कि विद द साइन रूल हम साइड ऑफ द नॉन राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल ऑफ द नॉन राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करते हैं और साथ में इसका एरिया भी फाइंड किया जाता है। उसके लिए कंडीशन ज़रा डिफरेंट होती है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच ऑफ द एक्यूट एंगल। यहाँ पे एंगल गिवन है, दैट इज 32 डिग्री। यहाँ पे एंगल दिया गया है, दैट इज ए। और दिस साइड इज 8 cm और साइड अगेंस्ट एंगल 32 इज 6 cm। एज पर साइन रूल यहां पे चूंकि उसने एंगल कोई मार्क नहीं किया, यहां पे आप एंगल मार्क कर सकते हैं बी, और थर्ड एंगल जो है वो उसका सी होगा। एज पर साइन रूल साइन बी अपॉन इसकी साइड अपोजिट टू बी साइन, मैं इसको छोटा स्मॉल बी मार्क किया मैंने, अपॉन बी इज इक्वल टू, अभी हमने फाइंड करना है साइन ए, ए पे एंगल फाइंड करना है, यानी कि लिखेंगे साइन ए
अपॉन, अब इसके ये वाली जो सामने वाली साइड है ये ए होगी स्मॉल ए, ये आपने इसको लिख देना है। अब साइन बी जो है वो 32 डिग्री है, यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे साइन 32 डिग्री। अपॉन बी जो कि आपके पास 6 है, यहाँ पे वैल्यू प्लग कर दें। देन साइन ए हम फाइंड करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे साइन ए ही लिखेंगे आप। अपॉन ए जो के साइड है दैट इज गिवन विच इज 8। अब साइन 32 का वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से पूछ लें आप। इट इज 0.529, तो इसको हम 0.53 कर लेंगे, 0.53 upon 6 is equal to, अब यहाँ पे हमने साइन ए फाइंड करना है उसी तरह लिख देंगे अब, अपॉन 8। इसके बाद ये वाला जो 8 है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 0.53 × 8/6। देन साइन ए इज इक्वल टू 0.53 को पहले आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद में 6 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7। अब हमने फाइंड करना था एंगल एट ए, तो ये वाला जो साइन है इसको मैं सर्कल करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा क्लैरिटी आ जाए। अब इस साइन को दूसरी तरफ लेके आना है हमने, ए इज इक्वल टू ये साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स इन टू 0.7। अभी कैलकुलेटर से ही हम पूछेंगे कि ए डिग्री इज इक्वल टू, इन्वर्स का बटन दबाएं बल्कि शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के बाद इन्वर्स, तो आपके पास साइन दबाएंगे तो साइन इन्वर्स आ जाएगा 0.7, और आपने कुछ काम नहीं करना, डायरेक्ट आंसर को आंसर मिल जाएगा। ये 44.4 आपको आंसर मिलेगा, 44.4 डिग्री इज द आंसर। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा विजिबल हो जाए आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीशन होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें। मेरी कोशिश रही है कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कंप्लीट जस्टिफिकेशन और फुल क्लैरिटी के साथ अपलोड करूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके अपनी क्यूरी का रिप्लाई ले सकता है। इसके अलावा अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, 0321 58 38264। थैंक यू वेरी मच।